डियर स्टूडेंट, क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन आगे की टॉपिक। और यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम है, यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, तो कितना होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 70, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है 78%। अब यहाँ पे जो 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से क्या होगा, बैक्टीरिया होगा फिक्सिंग और लाइटनिंग होगा। जब यहाँ से बैक्टीरिया और लाइटनिंग होगा तो बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा, बैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन कंपाउंड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है या बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर कहाँ पर जाएगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल, मतलब कि जो मिट्टी है सॉयल है उसमें जाकर नाइट्रोजन कंपाउंड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सॉयल में यहाँ पे आके आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। अब इस सॉयल के थ्रू हमारा अपडेट बाय प्लांट्स, इस सॉयल से क्या होगा, नाइट्रोजन प्रोटीन प्लांट्स को मिलेगा। अब प्लांट जो होगा, प्लांट को कौन ईट करेगा, एनिमल ईट्स प्लांट। तो प्लांट को यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। अब प्लांट जो है नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रिएशन एंड डेथ, यहाँ से अगर डेथ होता है तो ये होकर फिर जाके किस में चला जाएगा, सॉयल में चला जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट जो होता है हमारा बैक्टीरिया टर्न इनटू नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, कुछ जो डायरेक्ट होते हैं नाइट्रोजन जो गैस होता है, नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट। नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर जाके एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो 78% कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसको दो पार्ट में देखें तो यहाँ से ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में लाइटनिंग हो रही है, बैक्टीरिया फिक्सिंग या बैक्टीरिया फिक्स हो रहा है, फिर यहाँ से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स जाके नाइट्रोजन कंपाउंड में हो रहा है। नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में जाता है, इस सॉइल से क्या होता है, प्लांट्स लेता है, प्लांट को कौन किप करता है, एनिमल से फिर नाइट्रोजन वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट से फिर सॉइल में चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन, मतलब कुछ होते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाके अपना 78% जो होता है नाइट्रोजन को कॉन्स्टेंट बना देता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, ये जो लिस्ट दिया है उसको हम लोग इसमें सेलेक्ट करना है, किसमें कौन सा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, तो क्या इसको बोलते हैं, क्रॉप, क्या बोलते हैं, क्रॉप फर्स्ट। सेकेंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्रॉप का ग्रो करने का फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो इसमें क्या होगा, प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए बी हो गया, सी पार्ट, द डैमेज सीड वुड ऑन द टॉप ऑफ वाटर, तो जो डैमेज सीड होता है वो टॉप ऑफ वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, इसमें हो जाएगा फ्लोट। और गुड क्वालिटी ऑफ जो सीड होता है, तो जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होता है वो क्या होता है, सिंक कर जाता है। तो यहाँ पे डैमेज सीड है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो डैमेज सीड जो होता है वाटर पे फ्लोट करता है। नेक्स्ट, और ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स सनलाइट, ये होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रोइंग क्रॉप के लिए सनलाइट चाहिए हमें, और क्या चाहिए, वाटर, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये हो जाएगा हमारा बी गाइडेंस। अब यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है, जैसे खारिफ क्रॉप्स, तो खारिफ क्रॉप्स में मैच कौन होगा, पैडी या मेज, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आ जाएगा आपका ई, फर्स्ट का हो जाएगा ई, यानी खारिफ जो क्रॉप्स होता है उसमें पैडी और मेज होता है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स में जो होता है वीट होता है, ग्रेन होता है, पी होता है, तो आपका सेकेंड का आ जाएगा डी,
सेकेंड का हो जाएगा बी। ये हो गया दोनों। अब करें केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, यूरिया एन सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर है। तो थर्ड का हो जाएगा क्या, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, यानी बी हो जाएगा थर्ड का बी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें हो जाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है एनिमल एक्स्ट्रा, काउ डंग, प्लांट वास्ट एंड यूरिन, वेस्ट एंड यूरिन। तो ये जो फोर्थ है, फोर्थ आपका हो जाएगा सी। तो इस तरह हम फिलिंग द ब्लैंक मैच कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है। ओके, थैंक यू।